गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर अनिल सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर 3 टैरोस रिवॉर्ड। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डन अप टू चैप्टर 2। आई नो डेट आई हैव नॉट शेयर द क्वेश्चन आंसर्स विद यू। वेरी सून आई विल शेयर इट। वेरी सून मीन्स In the next class, positively, I am going to share the question answers with you of both the chapter 1 and 2 and this, the last chapter which we have read, the poem that I have already discussed. So the question answers of chapter 1 and chapter 2 will be shared by me in my next class positively. Today, we are going to read out chapter number 3. So let's start. Before we read, let's find out what has been written. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. So students, ये कहानी एक बहुत ही आज्ञाकारी और अच्छे लड़के की है जो अपने माता पिता के लिए बहुत बहुत मेहनत करता है, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए मेहनत करता है और चूंकि उसकी भावनाएं अच्छी है, वो अपने माता पिता के लिए मेहनत करना चाह रहा है, इसलिए भगवान उसकी कैसे मदद करते हैं वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ए यंग वुड कटर नेम्ड टैरो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sick. It would warm me and do my old hurt good." This made Taro sadder than ever, for the hurt warming drink called sick was very expensive. "How do I earn more money?" he asked himself. "How do I get a little sake for my poor old father?" He decided to work harder than before. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझते हैं। एक जवान लकड़हारा है जिसका नाम टैरो है, वो अपने माता पिता के साथ पहाड़ी इलाके में रहता है। सारे दिन वो जंगलों में जाकर के लकड़ियाँ काटता है और इस तरह से खूब मेहनत करता है, लेकिन उन लकड़ियों को जब बेचता है तो उससे बहुत कम पैसे मिलते हैं। इस कारण से वो काफ़ी दुखी भी रहता है, क्योंकि वो एक समझदार लड़का था और एक समझदार लड़का जो होता है वो हमेशा अपने माता पिता को वो सारी सुख सुविधा देना चाहता है जो जिसकी उन्हें ज़रूरत है। एक शाम क्या होता है कि टैरो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ अपनी झोपड़ी के कोने में बैठा था और कुछ बातचीत कर रहा था कि अचानक बहुत तेज आंधी बहती है, बहुत जोर आंधी बहती है और मतलब जो है ठंडी हवा चलने लगती है, शीत लहर चलने लगती है। अचानक से ही टैरो के पापा उसको बोलते हैं कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर मुझे शेक मिलता, अभी शेक का मतलब एक लिक्विड पदार्थ, एक लिक्विड एक प्रकार का आप कोल्ड ड्रिंक टाइप की चीज़ बोल सकते हो जो थोड़ी सी शक्तिशाली होती है, मतलब इंसान को शक्ति देती है, एक शक्तिवर्धक पेय कह सकते हो आप, उसे शेक कहते हैं। तो उसने कहा कि अगर मुझे एक कप शेक मिलता तो मेरा शरीर भी गर्म हो जाता और वो मेरे दिल के लिए भी अच्छा होता। ये सुनकर के टैरो ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि वो जो शेक के बारे में उसके पिता बात कर रहे थे वो शेक बहुत ज़्यादा कॉस्टली या कीमती था। मार्केट में अगर उसे खरीदने जाता वो तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते, मतलब उस शक्तिशाली पेय में कुछ बहुत
ऐसी चीज़ें डाली हुई थी जो बहुत शक्तिवर्धक होती है लेकिन उसकी कीमत भी ज़्यादा है। तब उसने फैसला किया, उस वक्त तो उसके पास ये क्षमता नहीं थी कि वो अपने पिता के लिए उसी वक्त जा करके वो पेय ला देता, तो वो सोचा कि क्यों ना मैं ज़्यादा मेहनत करूं और ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूं। उसने अपने आप से बात की, उसने अपने आप से ये बात की कि क्यों ना मैं मेहनत ज़्यादा करूं, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही सवाल आया कि मैं अपने पिता की मदद कैसे कर सकता हूं। तो उसको सिवाय और ज़्यादा मेहनत करने के कोई उपाय नज़र नहीं आया। फोर्थ पैराग्राफ से देखो, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हीज वे टू द फॉरेस्ट। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वॉर्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वॉर्म एज आई। एंड विथ दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वॉर्म द ओल्ड मैंस बोन्स। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थर्स्टी, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। टैरो सॉ ए ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। नेलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। वॉज इट वाटर और वॉज इट सिक? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। यहां से समझते हैं हम लोग, तो उसके पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उसने और कड़ी मेहनत करने का सोचा। अगले दिन सुबह जब टैरो अपने बिस्तर से उठा तो हमेशा की तरह जंगल गया। जंगल जाकर के वो लकड़ियां काटने लगा, काफ़ी देर तक काटता रहा। दोपहर हो गई, अर्ली मॉर्निंग से लेकर के दोपहर हो गई, लेकिन वो देखे लकड़ियाँ काटता ही रहा, काटता ही रहा। उसे बहुत प्यास लग रही थी दोपहर तक, उसका चेहरा पसीने में भीग गया था, लेकिन वो लकड़ियाँ काटना नहीं रोक रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे पैसे थोड़े ज़्यादा कमाने हैं और अपने माँ बाप की सेवा करनी है या अपने पिता के लिए वो शेक लेके आना है। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि मेरे बेचारे बूढ़े पिता, अगर मैं उनको गर्मी दे पाता सेक ला करके तो कितना अच्छा होता। इस तरह से सोच करके वो और ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियाँ काटने लगा। लक्ष्य यही था कि कुछ ज़्यादा पैसे कमाऊँ ताकि सेक खरीद करके बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्म कर सकूँ। कि तभी अचानक टैरों को लकड़ियाँ काटना रोकना पड़ा। एक अजीब प्रकार का साउंड या आवाज उसको आ रही थी। वो सोचने लगा कि वो ये आवाज कहां से आ रही है? क्या ये आवाज बहते हुए पानी की तो नहीं लग रही? टैरो ने सुन रखा था, या टैरो को जितनी उस जंगली इलाके की जानकारी थी, टैरो को पता था कि वहां आसपास में कोई बहने वाला स्ट्रीम नहीं है, कोई प्रकार का झरना या कुछ भी नहीं है, लेकिन पहली बार उसको पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दी। ये जानते हुए भी कि वहाँ कहीं झरना नहीं है, चूँकि उसको बहने की आवाज़ आ रही थी, तो उसने सोचा कि चूँकि मैं बहुत प्यासा हूँ तो मैं देखता हूँ ये पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो चल पड़ा, अपनी प्यास के कारण वो चल पड़ा उस दिशा में जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही थी। तो टैरो ने एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा झरना देखा जो किसी पत्थर के पीछे या पहाड़ के पीछे छुपा हुआ उसको मिला। वो झुक करके उस पानी को पिया। बड़ी अजीब बात, वो पानी था लेकिन उसका टेस्ट सेक की तरह था। उसे यकीन नहीं हुआ।
उसने बार बार उस पानी को पिया, और प्रति बार जब वो पानी को पी रहा था, हर बार जब वो पानी को पी रहा था, तो उसको वो पानी सेक के टेस्ट का ही मिला। बहुत ही टेस्टी वो सेक था पानी की बजाय। दिखने में पानी था, लेकिन उसका टेस्ट जो था वो पूरी तरह से एक बहुत ही स्वादिष्ट पेय पदार्थ का था। फिर देखते हैं क्या होता है। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। आफ्टर ओनली वन स्वॉलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड इट लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। दैट आफ्टरनून नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द सेक। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडिली एंड थैंक द ओल्ड मैन। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी। बाई नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sick. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sick, only cold water. तो देखो बच्चों, उसके बाद क्या होता है, टैरो जो था वो बहुत जल्दबाजी करके एक घड़ा भरता है और फटाफट अपने घर आता है अपने पिता को वो सेक के टेस्ट का पानी पिलाने के लिए। जैसे ही वो घर आता है तो उसके पिताजी ने सिर्फ एक ही घूंट लिया था उस घड़े से एक ही घूंट पी करके उसके पिताजी के शरीर में जान आ जाती है, और उसके पिताजी फ्लोर के बीच में थोड़ा सा डांस करके भी दिखाते हैं। तो चूंकि वो लोग बहुत सीधे साधे मन के थे, तो उन लोगों ने आस पड़ोस में बता दिया था कि ऐसी ऐसी बात है। तो उस दोपहर तक उसके पड़ोस में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो टैरो के पिता वहां आते हैं और बहुत ही विनम्रता के साथ, मतलब टैरो के पिताजी जो थे वो आने वाले सारे मेहमानों को बड़े ही विनम्रता के साथ वो सेक के एक एक कप, उस सेक का एक एक कप पीने के लिए देते हैं। औरतें जब उस सेक को पीती हैं तो उन्हें बहुत बहुत टेस्टी लगता है। फिर टैरो उन्हें उस सेक के बारे में पूरी कहानी बताता है, खुले मन से बता देता है। वो इस चीज़ को राज रखने में कोई रुचि नहीं दिखाता। खुले मन से सारी राज की बात बताने के बाद सारे लोग उसको धन्यवाद करके वहाँ से चले जाते हैं। औरतें सब जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाती हैं। और चूंकि उसने कुछ लोगों को बताया था, ठीक है, एक नेबर वहाँ पर आया था, एक औरत आई थी, तो उस एक औरत के जाते ही उस औरत ने उसी रात में सारी वो बातें पूरे गांव में फैला दी। आई थी तो एक औरत, लेकिन उसने वो बात पूरे गांव में फैला दी। उस शाम को बहुत सारे लोग, अन्य लोग बिन बुलाए वुड कटर के घर में लाइन लगा करके खड़े हो गए। हर आदमी ने यही बताया कि उसने उस झरने की कहानी सुनी है और वो उस सेक का एक घूंट पीना चाहते हैं। इस तरह से हर एक व्यक्ति को एक एक घूंट पिलाते पिलाते रात तक, क्योंकि लगभग पूरा गांव ही उनके घर आ गया था, तो सबको पिलाते पिलाते एक एक घूंट ही पिलाया गया, इवन एक कप भी नहीं पिलाया गया।
एक एक घूंट पिलाते पिलाते कुछ ही समय में वो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही वो घड़ा जो था वो पूरी तरह से खाली हो गया। अगली सुबह जब टैरो काम करने के लिए वहां गया उस झरने के पास लकड़ियां तोड़ने के लिए, तो अपने साथ वो एक अपने घर में रखा सबसे बड़ा घड़ा लेकर के गया। लेकिन इससे पहले कि वो घड़े से उस सेक रूपी पानी को भरता, उसने दूर से ही देखा कि बहुत सारे निबर्ड्स जो उसके पड़ोसी थे वो वहां पर पहुंच चुके थे। उनके हाथ में घड़े थे, डब्बे थे, बाल्टियां थी। सिर्फ और सिर्फ उस जादुई शेक या जादुई पेय पदार्थ को पाने के लिए वो लोग सब पहुंच गए थे। सोचो कि वो कितने चालाक थे, वो टैरों के पहले ही वहां पहुंच गए थे। तब एक गांव वाला झुका और उसने अपना मुंह उस झरने के पानी के नीचे लगा दिया और उस झरने का एक घूंट पिया। पी करके उसने चिल्लाया और चिल्ला करके बोला गुस्से में, अरे ये तो पानी है, सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं। दूसरे लोगों को यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये कहानी तो उन लोगों ने उस औरत से सुनी थी या टैरों के मुंह से सुनी थी कि वो झरना है, उस झरने का पानी जो है वो एक गजब का पेय पदार्थ है, शेक के टेस्ट का है और शेक के शक्तियों का है। तो उन्होंने जब उसको ट्राई किया, और भी कई लोगों ने ट्राई किया, लेकिन उन्होंने पाया कि ये सिर्फ ठंडा पानी है, कोई शेक नहीं है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज टैरो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। बट टैरो हैड बीन वाइस एनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true, he wondered? Was the sack a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sack. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sack. To everyone else, it gave only cold water. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the Emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. तो बच्चों देखो अंत कितना सुंदर होता है इस कहानी का। इस कहानी का अंत बेहद सुंदर होता है। तो गांव वाले जो थे वो काफी नाराज हो गए थे। काफी नाराजगी उनके मन में आ गई थी कि देखो ये टैरो ने हमें बेवकूफ बनाया और वो हमें एक ऐसे वाटरफॉल के पास ले आया जिस वाटरफॉल का पानी जो है वो कोई शेक नहीं है, वो एक साधारण ठंडा पानी है। गांव वाले ये चिल्ला करके बोले कि टैरो कहाँ है, टैरो कहाँ है, उसने हमें बेवकूफ़ बनाए हैं, चलो उसे इस वाटरफॉल के नीचे ही हम लोग डुबो देते हैं या वाटरफॉल के पानी के नीचे ही डुबोते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। चूंकि टैरो दूर से ये बातें सुन लिया था तो टैरो इतनी बुद्धि तो दिखा पाया कि वो वहां से भाग गया और वो किसी दूर जाकर के और दूर जाकर के एक पत्थर, बड़े पत्थर के पीछे छुप गया और देखने लगा कि गांव वाले क्या कर रहे हैं। चूंकि गांव वालों को टैरो कहीं भी दिखाई नहीं दिया, वो छुप गया था, इसलिए कुछ क्षणों बाद गांव वाले चले गए वहां से। गांव वाले अपना गुस्सा जाहिर करते हुए, अपनी निराशा जाहिर करते हुए वहां से एक एक करके अपने गाँव चले गए। जब हर एक व्यक्ति जा चुका था उसके बावजूद कुछ क्षणों तक टैरो ने प्रतीक्षा की कि कहीं कोई आ न जाए। कुछ देर तक जब उसने देखा कि कोई नहीं है तब टैरो वहां छुपे हुए स्थान से बाहर निकला और गया उस झरने के पास। वो सोच में पड़ गया कि उसने जो कल पिया था या लोगों को पिलाया था वो तो शेक ही था। क्या शेक को प्राप्त करना उसका सपना था या वो सच था? ये सोच करके वो एक अपने हाथ को आगे बढ़ाया और थोड़ा सा हाथ हथेली में
लिक्विड को यानी कि पानी को लिया और अपने होठों में लगाया और टेस्ट करके देखा तो बड़ा आश्चर्य था कि ये सेक का ही टेस्ट पानी से आ रहा था। तो टैरो समझ गया कि ये ईश्वर का कोई वरदान है उसके ऊपर। वरदान ये था कि वो अपने माता पिता के बारे में भला सोच रहा था, इसलिए भगवान ने उस साधारण पानी वाले झरने में उसे स्वादिष्ट पेय पदार्थ का गुण दे दिया, टेस्ट दे दिया, स्वाद दे दिया। लेकिन बाकी अन्य लोगों के लिए जो कि साधारण लोग थे, उनके लिए वो पानी जो था सिर्फ ठंडा पानी के अलावा और कुछ नहीं था। मतलब टैरो के लिए वो पानी, जैसे ही टैरो लेगा तो वो पानी सेक बन जाएगा, बाकी कोई व्यक्ति लेगा तो पानी ही रहेगा। ये एक तरह से ईश्वर का वरदान उसके ऊपर था। तो इस कहानी से फिर हमने ये देखा कि टैरो, चूंकि उसके मन में अच्छी भावनाएं थी तो भगवान ने उसकी असामान्य रूप से मदद की। ये टैरो की कहानी और इस जादुई वाटरफॉल की कहानी, जादुई झरने की कहानी जापान के राजा के कानों में पहुंची तो उन्होंने उस लकड़हारे टैरो को अपने पास बुलवाया और बुलवा करके 20 सोने के सिक्के दिए और उसकी बहुत बहुत प्रशंसा की, उसकी अच्छाइयों की, उसकी दया की, माता पिता के प्रति सम्मान की, बहुत प्रशंसा की। उसके बाद उन्होंने फैसला किया, जापान के राजा ने उसे 20 सोने के सिक्के देने के बाद टैरो को उन्होंने फैसला किया कि अपने देश के सबसे खूबसूरत झरने का नाम वो टैरो के नाम के ऊपर ही रखेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि बच्चे जब भी टैरो नाम के बारे में सुने, टैरो के बारे में जब जानना चाहें और टैरो के बारे में जब जाने तो उन्हें ये शिक्षा हमेशा मिले या ये प्रोत्साहन उन बच्चों को हमेशा मिले कि हमें किस तरह से हर एक बच्चे को अपने माँ बाप को सम्मान करना चाहिए, अपने माँ बाप की बातों को मानना चाहिए। ये एक हर एक बच्चे का एक कहीं ना कहीं धर्म है और इसी सीख को देने के लिए जापान के राजा ने अपने देश के सबसे खूबसूरत झरने का नाम टैरो के नाम पर रख दिया। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे कि ब्रैकेट में देख पा रहे हो, इट्स जापानीज स्टोरी रिटोल्ड। ये एक जापानी कथा है जिसको थोड़ा सा छोटा करके दोबारा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा थर्ड चैप्टर का रीडिंग जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, आने वाले वीडियोस में इन तीनों चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगा और क्वेश्चन आंसर शेयर करने के बाद इन तीनों चैप्टर के फिर हम लोग आगे के एक्सरसाइजेस या आगे के चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैप्टर 1 के वर्ड मीनिंग्स नोटबुक में उतार लिए होंगे। जब सिर्फ इतना ही रहने दो, चैप्टर 1 के वर्ड मीनिंग्स के बाद आपको क्वेश्चन आंसर मेरे द्वारा जब मिलेगा तब उसको लिखोगे, फिर चैप्टर 2 के वर्ड मीनिंग्स उतारोगे, ठीक है। फिर आप लोग जो है चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर जब मेरे द्वारा मिलेंगे आपको तब आप उसको लिखना, जैसे कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में उतारने के बाद आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो में मिलने पर लिखना है। फिर हाउ से होम जो चैप्टर था उसका तो मैंने आपको जो पेज नंबर 16 था आपकी टेक्स्ट बुक का, उसमें मैंने आपको बुक में ही करने के लिए बोला था। और फिर चैप्टर 2 जो है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, इसका भी आपको वर्ड मीनिंग्स लिखना होगा अपनी नोटबुक में और उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स में शेयर जब करूंगा तब उतारने हैं। फिर काइट का जो क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो मैंने आपके बुक में ही करवाए हैं या आपके बुक में ही करने के लिए आपको कहा है। और फिर टेरोस रिवॉर्ड के क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा। तो चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर और चैप्टर 3 टेरोस रिवॉर्ड, इन तीनों के क्वेश्चन आंसर्स मिलने के बाद अब बारी बारी से इसको
इनको नोटबुक में लिखना. तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो दे विल बी शेयर्ड विथ यू. ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी, यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, रीस्टार्ट द वीडियो. इस वीडियो को एक बार से ज़्यादा बार भी आप देखो और इस स्टोरी को पहले अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन आंसर सम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ.